लिख के मैंने तो खुद ही जो है डिमांड की थी कि इनको जगह दी जाए। मुझे तो ये नहीं समझ में आता आशीष जी कौन है, हु इज आशीष जी एंड वाई शुड ही रिकमेंड फॉर मी। मुझे परमिशन चाहिए, पूरे नियम कानून के साथ चाहिए, और जयंती मनाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। आपका तो आगे क्या कोई नजरियाती खिलाफ विचारधारा नहीं मैच खा रही है या इसमें क्या दिक्कत है इसके सामने आ रही है? देखिए, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मुझे इस बात की शिकायत है कि मैं नियम कानून से जयंती समारोह के लिए एक कार्यक्रम स्थल चाहती थी, मुझे किस आधार पे वो कार्यक्रम स्थल नहीं दिया गया, मेरा सवाल सिर्फ इतना है। आप शिवराजपुर से कैसे प्रसाद हो गया, वो हरा के आई है, अच्छे मतलब से जीत कर आप आई है, वही डिप्टी सीएम यहाँ पर हो चुके हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता है आपको कि उनकी वजह से कुछ ऐसा परमिशन ना मिली हो आपको? हालांकि दो दो हाल थे वहाँ पर, एक मरकरी एक जुपिटर हॉल है, तो मरकरी हाल में आपको जेल दी जा सकती थी, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, अगर ऐसा है कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तीन तीन हॉल होने के बावजूद एक दिन में एक ही कार्यक्रम हो सकता है, तो फिर मुझे वो नियमावली दिखाई जाए, और अगर ऐसी कोई नियमावली नहीं है तो किस आधार पे मेरा कार्यक्रम जिसका आवंटन मरकरी हॉल हुआ था वो कैंसिल क्यों किया गया? अभी अगर आप लोग मेरा साथ देंगे और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक चलेंगे तो आप देखेंगे कि अनुप्रिया जी का कार्यक्रम जुपिटर हॉल में हो रहा है, मरकरी हॉल अभी भी खाली है, तो हमें कार्यक्रम करने से क्यों रोका गया? शायद इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हराया है हमने, ये अपराध किया है। तो मैं चेताना चाहती हूँ कि वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं बल्कि अपनी बदनीयति और भ्रष्ट आचरण की वजह से भी हारे हैं, और अगर इस प्रकार का रवैया करते रहेंगे, जब जब केशव मौर्य जी फंसते हैं हमेशा मेरे परिवार के किसी न किसी व्यक्ति को आगे कर देते हैं, और अगर लगातार करते रहेंगे तो उनका हश्र आगे और बुरा होने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि जो दूसरा गुट है उसने ऐसा कुछ कहा हो कि इनको ना कार्यक्रम करने दिया जाए? देखिए, वो लोग तो ऐसे गठबंधन में हैं जहाँ पर उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो करना पड़ जाए वो करते हैं, और इस बार तो निजता की पराकाष्ठा क्रॉस कर दी है। वो डॉक्टर सोनीलाल पटेल का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी विचारधारा को भूल चुके हैं। नहीं, वो क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? मैं तो सरकार से मांग रही हूँ, मुझे बता दीजिए रविंद्रालय मैंने बुक किया था आपने क्यों कैंसिल किया, विश्वरैया हमने बुक किया था आपने क्यों कैंसिल किया, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हम मरकरी हॉल मांग रहे थे आपने क्यों कैंसिल किया? अगर इसमें कोई प्रोग्राम थे या हमें बता तो हमें पहले बताना चाहिए था। आपने एक ही कार्यक्रम के लिए तीन तीन हॉल क्यों निरस्त किए, मुझे इसका जवाब चाहिए। कल अपना दल एस की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजकुमार पाल की तरफ से चिट्ठी भेजी गई थी, उसमें बताया गया कि 18 जून को नगर प्रतिष्ठान उनकी तरफ से बुक कर दिया गया था और सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी 24 जून तक। आपको कहा गया है कि 30 तारीख को आपने आवेदन किया है, जिसकी वजह से शायद जो चीज़ें नहीं हो पाई, तो आप कैसे देखते हैं इसको, बकायदा चिट्ठी भेज कर बताया गया? देखिए, आपको जो चिट्ठी भेजी गई उसमें शायद इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भ्रमित करने वाली है, मैं आपके सामने पिक्चर क्लियर कर देती हूँ। हमने सबसे पहले रविंद्रालय में आवेदन किया, वहाँ जब हमारी परमिशन निरस्त हुई तब जाकर के हम विश्वरैया प्रेक्षागार में गए, जिसका आवंटन लेटर हमको 20 तारीख को मिल गया। उसके बाद 29 तारीख की शाम हमको बताया जाता है कि वो हॉल कैंसिल कर दिया गया है। उसके बाद 30 तारीख की सुबह हमने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का मरकरी हॉल की बुकिंग के लिए आवेदन किया। अगर हमको आवंटन नहीं करना था तो हमसे फीस क्यों ले ली गई, हमको रसीद क्यों दे दी गई? और अगर मैंने फीस एक बच्चे को पढ़ाने के क्लास 1 की दी है तो मुझे क्लास 5 में क्यों बैठाला जाएगा? जब मैंने मरकरी हॉल की फीस दी है तो मैं जुपिटर कैसे क्लेम करूंगी? तो मैं यही आधार जानना चाहती हूँ। अभी अगला अभी क्या रहेगा? अभी तो आपको देखिए, मैं अभी भी अपनी इसी बात पे अड़ी हूँ, और मैंने आप लोगों से ये कहा कि आप लोग चलिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मरकरी हॉल में कोई कार्यक्रम हो रहा है कि नहीं। मैं वहां तक जाना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर साहब की फॉलोवर ही हूँ, सिर्फ उनकी बेटी मात के नाम से नहीं, असंख्य लोग हैं जो उनकी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, वो सब बाहर घंटों से बाहर खड़े हुए हैं, हम उनके साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की तरफ कुछ जरूर करेंगे। कृष्णा जी, आप तो इंटरव्यू आप बातचीत नहीं कर रहे हैं कि ये सारा मामला सुलझ जाए, सब लोग एक साथ आ जाए। आपने उस समय पहले विधानसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात की थी, फिर उन्होंने कहा था कि आप मुख्यमंत्री से बात कीजिए पूरे मामले में, उसमें कोई बात हुई? देखिए, मैं सबसे पहले सारे ही मीडिया के लोगों का धन्यवाद दूंगी, और आज जो काम हुआ है ये बहुत दुखदाई और बहुत घृणित काम हुआ है, क्योंकि डॉक्टर पटेल किसी व्यक्ति विशेष के आदमी नहीं थे, डॉक्टर पटेल पूरे प्रदेश के मसीहा थे,
और किसी एक के रोकने से उनका ये आंदोलन रुकेगा नहीं। आज उनकी जयंती भले ही छोटे स्तर पे हो रही होगी लेकिन पूरे प्रदेश में, और जो आज अनुप्रिया ने ये गंदगी की है वो माफ करने लायक नहीं है। किसी ने सच ही कहा है कि विश्वास एक बार करना चाहिए लेकिन माफ 100 बार कर देना चाहिए, लेकिन आज अनुप्रिया की ये गलती माफ करने लायक नहीं है। ये कहां से उसने गंदगी सीखी इसका अंदाजा मुझे नहीं है, ना मेरे ये संस्कार हैं, लेकिन वो माफ करने वाली उसकी गंदगी नहीं है। आज जब से चुनाव हुआ है, जब से चुनाव हुआ है मार्च से बराबर मेरे दरवाजे में पुलिस बैठी है, मेरे घर में पुलिस बैठी है, मेरे बच्चों को यातनाएं दी जा रही हैं। इस पुलिस प्रशासन ने मेरे दामाद को उनके घर में, उनके ननियाल ददियाल सब जगह पुलिस भेजी हुई है। इतनी घृणित काम कर रही है, उसने सोचा नहीं है जो परिवार के लिए कर रही है कि समाज के लिए कर रही है। कोई अगर ऊंचाइयों पे जाता है तो समाज का काम करता है, गरीबों की मदद करता है, वो परिवार में इतनी गंदगी फैला रही है उसको शर्म नहीं आ रही। बदतमीज को मेरे सामने आ जाए मैं 2 चाटे लगाऊं उसका मुंह तोड़ दूं नालायक का। होगी नेता होगी मंत्री जिसके लिए होगी, मंत्री और नेता मैंने अपनी कलम से बनाया है उसको। पहली बार विधायक मैंने जिताया है, दूसरी बार सांसद मैंने बनाया है। आज इसके दिमाग इतने खराब हो गए हैं, लोग कहते हैं आपकी घर की लड़ाई है, घर की कोई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई वर्चस्व की है। वो अपने सिवा किसी को आगे आने नहीं देना चाहती है, और जितना गुनाहगार उसका हस्बैंड है उससे 20 गुना गुनाहगार अनुप्रिया है। इसलिए बिल्कुल मैं संकल्प लेके आई हूँ और मैं जरूर जाऊंगी। पुलिस प्रशासन रोकेगा? पुलिस प्रशासन तो मुझे किसी चीज की परमिशन नहीं दे रहा है और मुझे रोक नहीं सकते वो मेरे पुरोधा की जयंती मनाने से। वो चाहते हैं लाठी चार्ज करें लाठी चार्ज, वो चाहते हैं गोली चलाना चलाएं गोली चार्ज, लेकिन आज मैं रुकूंगी नहीं, क्योंकि अगर आज मैं रुक गई तो आगे मैं अपने समाज को कभी मुंह नहीं दिखा पाऊंगी, मैं डॉक्टर साहब के प्रति कभी जवाबदेही नहीं कर पाऊंगी।